नमस्कार दोस्तों, मैं कुबेर पाटीदार ट्यूटोरियल मेरे इस ट्यूटोरियल के माध्यम से देखेंगे कि अभी भी आधार कार्ड में बहुत बड़ी समस्या आ रही है, जिसके लिए अपन आधार कार्ड में अगर अपना मोबाइल नंबर दर्ज नहीं हो तो भी अपने लिए बहुत बड़ी समस्या आ रही है। और आधार कार्ड में अगर मोबाइल नंबर दर्ज है तो अपना नाम में मिस्टेक है या सरनेम में गलत है या फिर मिडिल नेम प्लस सरनेम या मिडिल नेम या फर्स्ट नेम दोनों कंबाइंड कर दिए हैं, जो कि अपने पैन कार्ड से मैच नहीं हो रहा है। तो पैन कार्ड में जब अपन इसको आधार से लिंक करने जाते हैं तो उसमें मैसेज देता है कि डिपेंड डाटा डज नॉट मैच यूर आधार डाटा। तो इस सारी समस्या का समाधान के लिए एक अभी नए एक पोर्टल का जनरेशन हुआ है, जिसमें अपन अपना जो पैन आधार कार्ड में जो सुधार है वो बिना ई मित्र सेंटर पर जाए बगैर अपन या कियोस्क सेंटर पर जाए बगैर अपने आधार कार्ड में अपन आसानी से इसमें संशोधन कर सकते हैं। और यह काम अपने मोबाइल से भी आप आसानी से कर सकते हो। तो आइए अपन देखते हैं इसको, बट इसको आजमा के देखते हैं अपन कि क्या होता है, ये सक्सेस कहाँ तक है। तो सबसे पहले आप मोबाइल हैंडसेट का जो गूगल ब्राउज़र है, आप जिसको में गूगल यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले मोबाइल हैंडसेट का आप गूगल ब्राउज़र खोलेंगे। गूगल ब्राउज़र खोलने के बाद में आप यहाँ पर टाइप करेंगे aadharupdate.com। यहाँ पर आप टाइप करेंगे, टाइप करते ही आपके सामने पेज खुलेगा, जिसमें यहाँ पर आप क्लिक करेंगे आधार पर। आधार पर क्लिक करते ही आपके सामने होम पेज खुलेगा, जिस पर ये पूरा का पूरा आपको यहाँ पर दिख जाएगा aadharupdate.com। ये जो नया अभी लॉन्च हुआ है, जिस पे आपको न तो आधार सेंटर पर जाना होगा, न ही किसी मित्र सेंटर, न ही कोई कियोस्क, और इसको आप आसानी से अपने मोबाइल हैंडसेट से किस तरीके से कर सकते हैं। तो आप एज पर NUID गाइडलाइंस सम ऑफ रेस 25 कैन बी चार्ज टू बी कस्टमर रेजिडेंस ऑन एसएस थ्रू एंड आधार अपडेट। अगर आपको अपना एक आधार अपडेट करने का चार्ज मात्र 25 रुपया आपको यहां पर पे करना होगा। यहां सिंगअप पर आपको क्लिक करना है। सिंगअप पर क्लिक करते ही आपके सामने ये बिजनेस BC मतलब BC इसको शॉर्ट फॉर्म है, BC इसका बिजनेस करस्पोंडेंस फॉर्म एक आपके सामने खुल जाएगा, जिस पर यहाँ पर आपको अपना नाम और यहाँ पर आपको सबसे पहले तो पासवर्ड बनाना है आपका, और यहाँ पर उसके बाद में ये जो एंट्रीज मांग रहा है वह आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। ये एंट्रीज है, यहाँ पर यूज़र नेम, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर और आपका आधार नंबर, और उसके बाद में यहाँ पर आपको कैप्सा फिलअप करने हैं, ये जो कैप्सा बताए हुए हैं। और सेकंड जो पार्ट है इसका, यहाँ पर आपको अपना एड्रेस फिल करना है, जो यहाँ पर आपको आपका जो भी एड्रेस है, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, स्टेट, उसके बाद में इंडियन सिटीज़न है आप, पिन कोड आपके एरिया का, और यहाँ पर जो फाइल बता रहा है, यहाँ पर चूज फाइल में आपको प्लीज़ अपलोड द मतलब आधार कार्ड जो आपका है उसका फ्रंट भाग। पहले तो आपको इसका फ्रंट भाग जो है, आधार कार्ड के दो पार्ट होते हैं, आगे वाला पार्ट और पीछे वाला, मतलब फ्रंट एंड बिफोर बैक साइड का जो होता है, तो वो आपको यहाँ पर आधार कार्ड का फ्रंट वाला चूज फाइल करनी है आपको, अंदर से डाउनलोड फाइल, और फ्रंट और बैक साइड का जो भाग है
वो यहाँ पर अपलोड करने के बाद में सबमिट बटन पर आपको क्लिक करेंगे, मतलब प्लीज़ अपलोड आधार कार्ड फ्रंट साइड एंड प्लीज़ अपलोड आधार कार्ड बैक साइड, यहाँ पर दोनों आधार के दोनों पार्ट को चूज़ करने के बाद में यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पर क्लिक करते ही आपके मोबाइल नंबर जो डाला था आपने पिछले जो बीसी फॉर्म भरा था उसमें मोबाइल नंबर जो डाला था उस पर एक वन टाइम पासवर्ड आएगा जो आपके मोबाइल पर मतलब रजिस्ट्रेशन फॉर्म के हिसाब से, और उसको यहाँ पर आपने जो यूज़र नेम जो बनाया है बीसी फॉर्म में वो यहाँ पर फिलअप करेंगे, और इंटर पासवर्ड जो आपने जो फिलअप किया था वो यहाँ पर डालेंगे और लॉगिन लॉग मी इन पर आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने आधार कार्ड की पूरी आपकी जो डिटेल है वो खुल जाएगी, उसमें आपको जिस तरीके से जो भी नाम जिस आपका नाम जो भी हो फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम और अदरवाइज उसमें फर्स्ट नेम एंड मिडिल नेम अगर मैं कंबाइन हो गया हो तो उसको भी आप अलग कर सकते हैं, या कुछ नेम अधूरा है आपका जो जोड़ा नहीं है जैसे फर्स्ट नेम नहीं फर्स्ट लास्ट नेम नहीं लिखा है आपका या मिडिल नेम अंदर शो नहीं है आपके आधार में, तो उसको आप जिस तरीके से पैन कार्ड पर लिखा हुआ है पैन कार्ड की कॉपी अपने सामने रखेंगे और उसके अनुरूप आप उसमें नाम में संशोधन आसानी से कर सकते हैं। तो ये 72 आवर्स में आपके क्लियर हो जाएगा और उसके बाद में आपको आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक भी कर सकते हैं। और मेरा ये आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने का भी ट्यूटोरियल जारी किया गया है, आप इसको भी आसानी से देख सकते हैं। मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों तो यहाँ पर नीचे जो लाल बटन दिया हुआ है उस पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके।